बर्नौलीज के अंदर एक क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन, तुम्हें क्या लगता है पहले मतलब कंपनी वाले एरोप्लेन बनाएंगे फिर उड़ाएंगे, फिर गिर जाएगा, फिर कहेंगे सॉरी यार ठीक नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो वो टेस्ट मॉडल पे बनाएंगे ना यार। तो क्या करेंगे, एक विंड की एक टनल बना लेंगे हवा की, प्लेन का मॉडल लटका लेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, हवा में प्लेन उड़ता है और हवा क्रॉस करती है, रिलेटिव मोशन कर दिया इन्होंने, इन्होंने हवा चला दी, प्लेन को नहीं उड़ाया, तो सोचो ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन उड़ रहा है, स्ट्रीमलाइन क्रॉस कर रही है, हवा क्रॉस कर रही है, एक ही बात है। तो विंड टनल ली और उसके अंदर अपर और लोअर सरफेस पे स्पीड 70 और 63 है प्लेन की, ऊपर और नीचे स्पीड दे दी, ठीक। व्हाट इज लिफ्ट ऑन द विंग, लिफ्ट का मतलब फोर्स, फोर्स ऑन द विंग। इफ एरिया ऑफ अ विंग इज 2.5 मीटर स्क्वायर और डेंसिटी आपको एयर की पता है, तो कुछ नहीं करना, आपने बर्नौलीज लगा देनी है ऊपर नीचे, और जब जब आप बर्नौलीज लगाएंगे आप प्लीज पोटेंशियल को इस चैप्टर में बिल्कुल कंसिडर ना करें, आपने नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी, आपने काट देना है इसे। हम यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीख रहे हैं, पोटेंशियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, आप इसे काट दें। तो पी वन माइनस पी टू एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तुम्हें दोनों वेलोसिटीज पता है, पुट करके डेंसिटी ऑफ एयर भी पता है 1.3, पुट करके क्या आ गया, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को एरिया ऑफ विंग से मल्टीप्लाई कर दे, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स, फोर्स को ही लिफ्ट बोलते हैं। तो ये टर्म आ जाएगी, इतनी फोर्स लगेगी एक विंग के ऊपर। कभी कभी न्यूमेरिकल में गिवन होता है फाइंड फोर्स ऑन बोथ द विंग्स, यहां पर अ विंग है, अ विंग का मतलब एक विंग का एरिया, एक विंग पे फोर्स, टोटल फोर्स ऑन विंग्स पूछेगा तो एरिया 2.5 को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि दो विंग्स हैं तो रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन है पेपर में सब्जेक्टिव में, फिर दोनों केस कराओ, फोर्स ऑन अ विंग इतनी, फोर्स ऑन बोथ विंग्स इंटू टू, अपने आप चेक करते रहेगा जैसे करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इसमें रूल लगाना है, ठीक है। जैसे रीडिंग ऑफ अ प्रेशर मीटर अटैच विद अ क्लोज वाटर पाइप इज, एक ना पाइप बंद है उसमें पानी बाहर निकल नहीं रहा लेकिन बहुत सारा पानी है पाइप में, और प्रेशर मीटर बता रहा है इतना पानी है, प्रेशर है, तुमने उसका टैप खोल दिया, वेल्व खोल दिया, तो प्रेशर गिर गया, ऑब्वियसली पानी बाहर निकलेगा, पाइप का प्रेशर गिर गया उस पॉइंट का, तो आपको बता रहे हैं कि स्पीड कितनी है पानी की, ये तो बताओ। तो बर्नौलीज थ्योरम है कैसे, एक पाइप के अंदर इनिशियल प्रेशर पता है आपको, फाइनल प्रेशर पता है, पहले पानी पाइप में चल नहीं रहा था तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर से लगा दो बर्नौलीज, पोटेंशियल काट दो, तो प्रेशर P1 पहले पता है, प्रेशर P2 बाद में पता है, वेलोसिटी पहले पानी की जीरो थी और पानी है, पानी की डेंसिटी इस समय क्या होती है 1000, और यहाँ से निकाल लेना V2 आ गया, कुछ भी तो ना करना, पहले पानी चल नहीं रहा तो वेलोसिटी जीरो कर दो, फिर पानी चल पड़ा तो वेलोसिटी निकाल दो, प्रेशर तुम्हें पता है, डेंसिटी तुम्हें पता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लग रहा है, एरोप्लेन पर लग रहा है, इस प्रेशर और वेलोसिटी, जब भी क्वेश्चन प्रेशर और वेलोसिटी का आए, प्रेशर चेंज होने से वेलोसिटी का चेंज होना, समझ लो बर्नौलीज है, ठीक है यहां तक। जैसे एयर की डेंसिटी 1.3 है और वो हॉरिजॉन्टली चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज हवा चल रही है, हैज अ प्लेन रूफ ऑफ एरिया, छत का एरिया प्लेन है और एरिया है कितना 40 गिवन है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरोडाइनमिक लिफ्ट, एरोप्लेन एरोडाइनमिक लिफ्ट यानी कि हवा की फोर्स, तो एरोडाइनमिक एरोनॉटिकल ये सब एरो एरो करते जा रहे हैं तो हवा से रिलेटेड है सब कुछ इसमें, तो इसमें एरोडाइनमिक लिफ्ट निकालनी है ऑन दी रूफ, तो क्या करें, छत को उड़ाना है या छत पे फोर्स निकालनी है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, छत के नीचे, छत के ऊपर, छत के नीचे कोई विंडो गिवन नहीं है तो वेलोसिटी छत के नीचे क्या लेंगे, जीरो, छत के ऊपर की वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर आर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड, ठीक, और डेंसिटी आपको पता है, लगाओ बर्नौलीज, जीएच जीएच को कैंसिल ही कर देना, छत के नीचे वेलोसिटी क्या है जीरो, इसको जीरो कर लेना, पी वन बाई एयर की डेंसिटी 1.3 है, छत के नीचे वेलोसिटी जीरो ये लेना नहीं तो ये तो टर्म जीरो ही होगी, P2 by rho और velocity V2 कितनी है
30। एयर की वेलोसिटी आपको पता है। सॉल्व करके क्या आएगा, P1 माइनस P2 छत का प्रेशर डिफरेंस है, उसको छत के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना आंसर। आइडिया समझ में आ रहेगी क्या रूल है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना, हर में तो प्रेशर डिफरेंस निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर जाना है। अब तुम प्लेन उड़ा लो, छत उड़ा लो, जो मर्जी उड़ा लो, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। और मजे की बात देखो, GH तो वैसे ही कैंसिल कर देना, तो बचा क्या, चार टर्म बची हैं। समझ में आ रहे हैं यहां तक। हॉरिजॉन्टल पाइप इज रनिंग फुल ऑफ वाटर, तो पानी चल रहा है एक पाइप के अंदर। एट अ सर्टन पॉइंट ए इट टेपर्स फ्रॉम डायमीटर 60 to 20। कह रहे टेपरिंग हो गई, एरिया बड़े से छोटा हो गया 60 से 20। ध्यान आगे देख लो, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो प्रेशर ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस भी दे रहा है। प्रेशर डिफरेंस समझते हो, जैसे यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 दे रहा है कितना, 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो शुरू और एंड का प्रेशर डिफरेंस दे रहा है, और 100 सेंटीमीटर वाटर कॉलम का मतलब क्या है, एच डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और पानी की डेंसिटी कितनी है 1, और जी कितना है 980। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब निकालना क्या है, मुझे बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, और इसमें क्या लगेगा, A1V1 = A2। तो या तो A1V1 बता दो या A2V2 बता दो। अब प्रॉब्लम ये है, आपको डायमीटर पता है, आपने रेडियस निकाल लिया दोनों का, पाई आर स्क्वायर से एरिया भी निकाल लिया दोनों का, A1V1 A2V2 हो गया। A1 की वैल्यू आपको पता है, A2 की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी V1 आपको पता है, नहीं पता, वेलोसिटी V2 आपको नहीं पता। अगर पता होती फिर तो मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकल ही जाता। तो यहां से पुट करके ये रेशियो आ गई। तो अगर तुम्हें V1 V2 पता लग जाए फिर तो आप निकाल ही लोगे, A1 V1 या A2 V2 कुछ भी निकाल दो, बात तो एक ही है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इस चैप्टर में, और दूसरी टर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज लगा लो, हाइट को तो लेना नहीं, प्रेशर डिफरेंस एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। प्रेशर डिफरेंस एच रो जी गिवन है, पानी का वाटर कॉलम का 100 डेंसिटी ऑफ वाटर जी, और डेंसिटी ऑफ वाटर CGS में 1 है। तो यहां से क्या आ गया, V2² - V1²। तो तुम्हें ऊपर से पता है कि V2 क्या है, 9 × V1, तो V2 की जगह 9 × V1 से क्या आ गया, V1 आ गया। फिर A1 V1 से क्या आ गया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, फिर तो आंसर आ ही जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है।